हेलो एवरीवन, स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे नए वीडियो में। रोब्लॉक्स के अंदर सीताराम मंदिर यानी कि जो राम मंदिर है वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। वैसे माइनक्राफ्ट में हमने ज़रूर देखा था, बट इन रोब्लॉक्स एज वेल बहुत बढ़िया है ये। और लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले तो यहाँ से दूर से ये देखिए आप पूरा टेम्पल, जहाँ पे हनुमान जी महाराज भी है, जहाँ पे राम दरबार है, पूरा सब कुछ दिखाऊंगा। वेल बने रहिए और लाइक कर दीजिए। यहाँ पे कॉस्ट्यूम तो हमने पहन लिए है, बट यहाँ पे जैसे ही अंदर आते हमको दिखेगा फाउंटेन, और सामने ही आपको दिख रहा है टेंपल बड़ा सा, बहुत बेहतरीन, ठीक है। वैसे हमारी रोब्लॉक्स की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आई नो टेम्पल्स आ रहे, बट और भी चीज़ें हैं जो कि मैं जल्द दिखाने वाला हूँ। एंटर होती है यहाँ पे, देखो यार बहुत सारे बटरफ्लाइज, और यहाँ पे ध्वज दिख रहा है आपको, जो पोल है वहाँ पे हनुमान जी महाराज का। और हाँ, वेलकम टू रोब्लॉक्स हिंदू कल्चरल परिषद श्री राम मंदिर मेड बाई मुर्गन लाल। तो बहुत बेहतरीन बनाया है भाई ये जो टेंपल है। अगर आपको भी इस सर्वर में आना है, इस शोकेस में आना है, लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। और ये टॉप व्यू है, रोब्लॉक्स सिंपली डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए अपने डिवाइस पे, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर या लैपटॉप हो, एंड फिर जस्ट एन्जॉय। तो ये था कुछ व्यू। और जहाँ पे रामचंद्र भगवान होते हैं ना, वहाँ पे शिवजी भी होते ही हैं। तो पीछे एक छोटा सा भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ पे आदिशक्ति भी साथ में, वो भी दर्शन करवाऊँगा। अब जहाँ पे एंटर होते हैं यहाँ पे राम राम लिखा हुआ है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और सामने सीधा जाके हमको हो जाएंगे दर्शन। और डेकोरेशन बहुत अच्छा है, पूरे फ्लावर्स है, फ्रेश फ्लावर्स की तरह यहाँ पे पूरा डेकोरेटेड है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया सीन है। और दिए भी है हर जगह पे, फिर एक एरिया भजन के लिए अलॉटेड है, छोटे राम भगवान भी है जिनका झूला है यहाँ पे, देखो तो गणपति बाप्पा, फिर आगे मंगल मूर्ति है, और ये पूरा राम दरबार, राम लक्ष्मण सीता जी एंड हनुमान जी। और यहाँ पे आपको श्रीफल भी दिख रहा है, साथ ही में लड्डू, और सेम एज टू दैट हम यहाँ पे पूजा भी कर सकते हैं, जो हमने अभी तक हर एक टेंपल के अंदर किया, जो रोब्लॉक्स में कर सकते हैं। वेल रोब्लॉक्स में बहुत सारे मैप्स है यार, मैं देख रहा था गाइस, यू नो, तो जैसे कुछ एस्केप करने के कुछ टास्क वाले हैं, कुछ चैलेंजेस है, कुछ पार्कोर्स है, तो वो भी बहुत जल्द लेके आऊँगा, ठीक है। ऑल्सो अदर गेम्स वी कैन ट्राई, फिफा है और भी। और यहाँ पे देख रहे हो तो ये शंख में से अभिषेक हो रहा है, अलग अलग चीज़ें, ये शंख बजाना है, तो इसमें ये सारे एनिमेशंस है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये दिया भाई, इसका ब्राइटनेस कितना था, जो दिया है वो, फिर ये पूजा की थाली है पूरी, ठीक है। फिर ये तो खैर हवन के लिए, हाँ। फिर ये ध्वज जो हमने बाहर देखा, फ्लैग पोल, फिर ये भोग, ना ये तो जल है, और क्या है, लेट मी सी, ये पूरा प्रसाद का थाल और फ्लावर्स, तो इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर भी है ये वाले वर्ल्ड में। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी मंगल मूर्ति है, आगे कलश हमको दिख रहा है, और यहाँ पे रामायण, जैसे हमने देखा वहाँ पे भगवद गीता थी, श्रीमद् भगवद गीता, तो यहाँ पे है रामायण। और यहाँ पे देखो तो हनुमान चालीसा लिखा हुआ है बाजू में, जो आप देख रहे हो ना, और जो राम भगवान का जो तस्वीर है राम दरबार, उसके बाजू में हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा दिखा, नॉट परफेक्ट बट दिखा तो है। और यहाँ पे भी सेम वहाँ की तरह बैठ सकते हो, ये रामायण का यहाँ पे रसपान जो है कर सकते हो। अगर भाई आप 5-6 बंदे हो ना, तो बहुत मज़ा आता है टू एक्सप्लोर एनी मैप्स, इवन क्रिएटिंग द सीन्स एंड दैट ऑल, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है रोब्लॉक्स के अंदर। और भाई आजकल रोब्लॉक्स के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें आ गई, ये और बेटर, कितना सारा क्रिएशन हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो मैं बता रहा था, लड्डू गोपाल की तरह छोटे राम, ठीक है, बाल स्वरूप में, और ये झूला था, फिर हनुमान जी महाराज का ये यहाँ पे बड़ा सा तस्वीर, और पेंटिंग्स वगैरह हमको बहुत सारी देखने को मिली है भाई। और भी रोब्लॉक्स में मेरे पास मैप है, मंदिर के है, और जू भी है। कोई बंदे केदारनाथ बता रहे थे, मैं बताता हूँ, यह हवन कुंड है, यहाँ पे बजरंग बली की भी मूर्ति अलग से, ठीक है, जय हनुमान जी महाराज, तो यस यहाँ पे बैठ सकते। तो हाँ, वैष्णो देवी भी कोई कोई बता रहे थे, ये देखो ये अग्निकुंड, तो मतलब ठीक है। अब वो अगर मुझे मिला, या फिर कैन वी क्रिएट
कुछ स्टूडियो में जाके तो मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल रहा तो गाइस ज़रूर दिखाऊंगा, उसके ऊपर वीडियो आएगी ज़रूर। और हाँ, ये देखा पीछे शिवालय है जहाँ पे हमको माता जी के भी दर्शन होंगे, वो भी मैं बताता हूँ धीरे धीरे। तो ये प्रदक्षिणा के साथ साथ यहाँ पे एक और आइडल है, मेरे हिसाब से ये शायद तुलसीदास जी की आइडल है, फिर पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये उनकी ही आइडल होनी चाहिए, ठीक है, जो तुलसीदास जी है उनकी। और आजू बाजू मंदिर के दोनों तरफ बहुत सारे वृक्ष है, बहुत सारे पेड़ है, और ये तो खैर मैंने देखे ही थे, यहाँ पे फ्लावर्स चढ़ा दिए तो ये भी बढ़िया था। ओके, अब चलते नीचे की तरफ जहाँ पे हमको पीछे जाना है और शिवालय हमको दिखेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम दर्शन करते हैं। और गई शिवालय से याद आया भाई, इसके अंदर एक इतना बढ़िया मैप है ना, वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा और ना ही बोलूँगा आपको, मैं सीधा वीडियो में ला के दिखाऊँगा। ऊपर भी ध्वज लगा हुआ है मंदिर के, तो उतना मज़ेदार है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, वो सरप्राइज़ है, अभी नहीं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट या उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा यार। यहाँ पे रंगोली भी देखो, बहुत बेहतरीन है। और ये एक चीज़ है कि आप इसके ऊपर से जाओगे ना, मतलब सीधा इसके ऊपर बैठ जाओगे, तो यहाँ पे आपको आदिशक्ति की आइडल दिख रही है, पीछे भोलेनाथ जी है, शिवलिंग है, मैं दिखा देता हूँ क्लोज से, तो ये रहा शिवलिंग, और यहाँ पे माँ पार्वती इनकी भी प्रतिमा है, ठीक है। और ये जहाँ पे राम भगवान होते वहाँ पे उनके आराध्य अवश्य होते हैं, जो कि एक दूसरे को अपने आराध्य मानते हैं। चलो, तो ये तो यहाँ पे रंगोली भी है, देखो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये पीछे छोटा सा शिवालय, ठीक है गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो राम मंदिर का, जो कि हमने देखा रोब्लॉक्स के अंदर। माइनक्राफ्ट में तो बहुत पहले देखा ही था, बट आज यार मतलब रोब्लॉक्स में देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया मुझे। आप सबको कैसा लगा यार ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ, और लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, सुपर थैंक्स दे सकते हो अगर आपको ये पसंद आता है तो। ठीक है गाइज, मिलेंगे नए वीडियो में, बाय, जय श्री राम, जय हनुमान।